मूलांक 9 से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छुपाते हैं मूलांक 9 से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मूलांक 9 से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मूलांक 9 से जुड़े लोग? 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों, मूलांक की सीरीज की चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने आपको 8 मूलांक के बारे में जानकारी दी, यानी कि 1 से 8 मूलांक के बारे में। और आज चर्चा करेंगे आखिरी मूलांक 9 की, मूलांक 9 वालों का स्वभाव कैसा रहता है, उनके लिए कौन से वर्ष अच्छे रहते हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, उनका काम कारोबार कैसा रहता है, उनके लिए कौन से लकी दिन है, कौन से वर्ष हैं, कौन से महीने उनके लिए शुभ रहते हैं। तो मूलांक 9 आपका है, कैसे जाने? देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 9 तारीख को हुआ है, किसी भी माह की 18 तारीख को हुआ है या किसी भी माह की 27 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 9 बनता है। और मूलांक 9 का स्वामी मंगल माने गए हैं। मंगल बहुत ही ऊर्जावान रहते हैं, एक एनर्जी के कारक माने गए हैं। अब आपको बता दें मूलांक 9 की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, मूलांक 9 के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ऊर्जा का वास उनके अंदर है और मंगल का प्रभाव होने के कारण ये कभी भी डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं और हमेशा एग्रेसिव रहना इनका काम है, आगे बढ़ना है। ऐसे क्योंकि ज्योतिष में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, तो ये भी कुछ उसी तरीके से कार्य करते हैं, कभी किसी से डरते नहीं है। अगर घर में हमने देखा है कि जो मूलांक 9 वाले होते हैं, अगर घर में छोटे भी हों तो बड़े की तरह बिहेव करते हैं। अगर घर में बड़े हैं ये, तो ये सबका बड़ा ख्याल रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं और सबको खुश करके रखते हैं। मूलांक 9 वाले बहुत ही भावुक देखे गए हैं और प्यार के भूखे होते हैं। इनको अगर थोड़ा सा भी इमोशनल अटैचमेंट मिल जाए तो ये उसके बिना रह नहीं सकते। लेकिन मूलांक 9 वालों की सबसे बड़ी बात ये होती है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्रोध की अधिकता इनके अंदर रहती है, छोटी छोटी बात पर ये क्रोध करने लगते हैं। इस चीज़ से इनको बचना चाहिए। मूलांक 9 वाले जो होते हैं दर्शकों, बहुत ज़्यादा धार्मिक भी देखे गए हैं। पूजा पाठ में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है, धर्म कर्म में, मंदिरों में जाना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। और मूलांक 9 वाले कभी किसी से डरते नहीं हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, समाज में उच्च पद की प्राप्ति होती है और सभी का ये सम्मान करते हैं। देखिए, जैसे को तैसा की पॉलिसी में बिलीव करते हैं, यानी कि ये चाहते हैं कि जैसे ये सबका सम्मान करें ऐसे ही सब इनका सम्मान करें। अगर कोई व्यक्ति इनका अपमान करता है तो फिर ये उसको सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये कुछ इस मूलांक की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए मूलांक 9 वालों से अक्सर देखते हैं कि लोग डर के रहते हैं, लोग इनसे दबकर रहते हैं, फालतू इनसे कोई बात नहीं करता, कोई इनसे आर्गूमेंट नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई गलत बात हमने कर दी तो उसका हमें करारा जवाब मिलेगा। ये मूलांक 9 वालों की सबसे बड़ी खासियत होती है। मूलांक 9 वाले जो देखा है कि समाज में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, सामाजिक कार्यों में, गतिविधियों में भाग लेते हैं। और मूलांक 9 वालों को हमने देखा है कि स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, तो अपना खुद का व्यवसाय अगर मूलांक 9 वाले करते हैं तो ज़्यादा इनको तरक्की मिलती है बजाय कि नौकरी के। अब बताते हैं मूलांक 9 वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। देखिए, मूलांक 9 वालों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, किसी तरह की कोई परेशानी इनके वैवाहिक जीवन में नहीं आती है। कभी कभी इनकी क्रोध की अधिकता के कारण जीवनसाथी के साथ इनके मनमुटाव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मूलांक 9 वालों को एक खासियत बताना चाहेंगे उनकी कि आप प्यार के भूखे हैं, प्यार पाना भी चाहते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए अगर आपको वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठा के रखना है, अन्यथा आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। मूलांक 9 वालों के प्रोफेशन कौन कौन से बढ़ते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, मूलांक 9 वाले बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर बहुत अच्छे देखे गए मूलांक 9 वाले। सॉफ्टवेयर लाइन से मूलांक 9 वाले जुड़ते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, BSF, पुलिस, या फिर अगर हम बात करें खेल के प्रोफेशन में मूलांक 9 वाले बहुत बढ़िया चमकते हैं। जिस भी कार्य में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है वो मूलांक 9 वाले जरूर करते हैं। और मूलांक 9 वाले देखा है कि अभिनेता भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे फाइटर भी होते हैं, इसलिए अगर ये खेल में जाते हैं तो अपना बड़ा नाम रोशन करते हैं, देश का नाम भी रोशन करते हैं
और अवार्ड की प्राप्ति भी मूलांक 9 वालों को होती है। तो ये कुछ प्रोफेशन है मूलांक 9 वालों के लिए जो कि बहुत ही अच्छे रहते हैं। देखिए मूलांक 9 क्या है कि अपने आप में पूर्ण अंक है, इसलिए ये व्यक्ति एक सर्वगुण संपन्न देखे गए हैं। इनके अंदर आमतौर पर कोई कमी नहीं होती, सिर्फ क्रोध को छोड़ के बाकी सभी अच्छी अच्छी आदतें इनके अंदर होती हैं। बहुत मिलनसार होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं और सबको जल्दी ही अपना बना लेते हैं। 9 अंक है जो अपने आप में पूर्ण है। सारे मूलांक को आप एक तरफ पढ़ लीजिए और 9 मूलांक को कर लीजिए, इसका जितना 9 से 9 को जितनी बार जोड़ेंगे दर्शकों आप, टोटल इसका 9 ही आएगा। जैसे 9 को आप 3 बार करेंगे जोड़ेंगे तो 27 आएगा, जिसका टोटल 9 है। 9 इन 81, 8 और एक 9, 9 और 9 को जोड़ लेंगे तो 18, टोटल 9। 9 को आप जितनी भी बार जोड़ लीजिए, जितनी बार करेंगे टोटल करेंगे तो उसका टोटल 9 ही आएगा। तो अपने आप में पूर्ण अंक है, संपूर्ण अंक है, सर्वगुण संपन्न है, सारी खासियत मूलांक 9 वालों के अंदर रहती है। बस एक ही चीज़ से इनको बचना चाहिए कि इनको क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। किसी भी काम को बहुत जल्दी करते हैं, बुद्धि इनकी बहुत तेज चलती है, जल्दबाजी में कभी कभी फैसला लेते हैं, उसी से बचना चाहिए। देखिए काम को जल्दी करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिले नहीं होना चाहिए वरना काम रुक जाएगा, लेकिन आप तुरंत ही एकदम फैसला लेते हैं उस चीज़ से बचना चाहिए। थोड़ा सा समय लेके फैसला लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा आपका फैसला सही साबित होगा। तो अब चर्चा करते हैं आपके लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे। देखिए आपके लिए बृहस्पतिवार का दिन, मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन बहुत शुभ रहता है मूलांक 9 वालों के लिए। और मूलांक 9 वालों के लिए जो नंबर है 3, 6, 9, ये इनके लिए मूलांक मित्र माने गए हैं। इनसे संबंधित मूलांक से इनकी बहुत अच्छी पटती है। मूलांक 2 वालों के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती देखी गई है जैसा हमारा अनुभव कहता है। तो दर्शकों मूलांक 9 वालों के लिए कौन से आने वाले वर्ष अच्छे रहेंगे। देखिए मूलांक 9 वालों के लिए 2000 अगर मैं देख रहा हूँ तो 22 इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा और 2027 इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और 2031 इनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 3 वर्ष हैं आने वाले, इन 3 वर्षों में अगर ये अपने किसी भी काम की शुरुआत करते हैं वो बहुत शुभ रहेगा। अगर इन वर्षों में ये नए कार्य करना चाहते हैं, गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इनके लिए ये बहुत ही मंगलकारी और परिवर्तनकारी वर्ष रहेगा। इनके लिए कौन कौन से माह अच्छे हैं, देखिए आपके लिए मार्च का महीना, जून का महीना, सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना, ये माह आपके लिए शुभ रहते हैं। इन माह में अगर आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलती है। मूलांक 9 वालों को संतान की तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहती, इनका संतान इनका नाम रोशन करती है और मूलांक 9 वाले बहुत ही भाग्यशाली लोगों में से एक होते हैं। भाग्य के बल पर इनको सब कुछ मिलता है, हालांकि ये खुद भाग्य में कम विश्वास करते हैं, ये कर्मशील होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, लेकिन भाग्य की देवी इनका पूरा साथ देती है और भाग्य के बल पर ये लाइफ में बड़ी ऊंचाइयां भी छूते हैं। अब अंत में मूलांक 9 वालों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए या कौन से देव की। मूलांक 9 वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। महीने में एक बार घर पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको किसी तरह की कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। मूलांक 9 वालों को अक्सर देखा है चर्म रोग रहते हैं, रक्त विकार रहते हैं, पेट संबंधी रोग रहते हैं, फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी जल्दी चोट लगती है, या किसी किसी केसेस में अगर आपका मूलांक और भाग्य साथ ना दे रहा हो तो पेट संबंधी रोग या पाइल्स भी जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मंगल के व्रत, मंगल के उपाय करें, मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं तो विशेष लाभ मिलेगा और कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और मूलांक 9 वालों के लिए अंत में सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। देखिए आपको ज़्यादा क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए, सबसे बड़ा ये मूल मंत्र है आपकी सफलता का। आपने क्रोध छोड़ दिया तो सफलता आपके सामने है, इस चीज़ से बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर कार्य करें, किसी को पैसा उधार ना दें, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी के दुख दर्द से आपको बड़ा कष्ट होता है, बड़ी जल्दी उसकी बातों में आकर उसके होर हो जाते हैं। इस चीज़ से संभल कर चलेंगे तो मूलांक 9 वालों को कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों आज हमने आपको जानकारी दी मूलांक 9 से संबंधित। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम फ़ोन करके हम आपको बकायदा समय देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आप किसी विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी बताइए, उसके ऊपर भी हम कार्यक्रम बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बद्रिक आश्रम के महत्व के बारे में मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, हमारे पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग है,
सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं, उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े। और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम, इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है, उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं।